जी तो रहा हूँ लेकिन जिंदगी झंड लग रही है, दो कंबल ओढ़ के सोया हूँ फिर भी ठंड लग रही है। तो स्वागत है दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर है ठंडी। ठंड आ गई, अब से रोज टॉस करके नहाऊंगा, हेड आया तो नहीं नहाऊंगा, तेल आया तो फिर से टॉस करूंगा। सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडी सब्जी पर घी की परत जमी हुई हो। ठंड में मॉर्निंग वॉक करने से आनंद की प्राप्त होती है और नहीं करने से परम आनंद की। ठंड में सब कुछ तो ठीक है लेकिन उफ ये फॉग पड़ोसन दूर से दिखाई ही नहीं देती। एक ठंड विदेश में पड़ती जिसकी वजह से वहाँ के लोग गोरे हो जाते हैं और एक ठंड हमारे यहाँ पड़ती जिसकी वजह से होठ और गाल फट जाते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ठंड आ गई है अब से रोज ना नहाना। ठंड लगने लगी है लेकिन अगला आदमी स्वेटर पहनेगा तब ना हम पहनेंगे। कभी कभी तो अचानक ठंड ऐसे गायब हो जाती है जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार गायब हो जाते हैं, जैसे आई लव यू बोलने पर लड़की की डीपी गायब हो जाती है। अब कल ही देख लो मैंने नया जैकेट खरीद के लाया और ठंड गायब हो गई। अब मैं पंखा चलाकर पहने रहता हूँ, पैसा थोड़ी ना बर्बाद करनी है अपनी। तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, पंखा 2 पे करो तो गर्मी और 5 पे करो तो ठंड है। वैसे ठंड बढ़ रही है, ख्याल रखा करो अपना, क्योंकि लोग आंसू तो शायद पोंछ भी दे मगर नाक नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। ठंड में ब्रेकिंग न्यूज, ठंड में आने वाले कुछ ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तेज ठंड होने के कारण लड़कियों की नाक बहने से सेल्फी में आई भारी गिरावट। कड़ाके की ठंड देखते हुए कुछ लड़कियों के ग्रुप ने फरवरी तक नहाना किया बंद। कह रही है कि अगर जिंदगी रही तो फरवरी बाद डब साबुन से नहा कर फिर से गोरी हो जाएगी। आज तक डिजिटल बिग ब्रेकिंग न्यूज, ठंड से हुआ भारी नुकसान, चाय पीते वक्त हाथ कांपने से चाय में आधा बिस्कुट गिरा। केंद्र सरकार से की मुआवजे की मांग। आज की ताजा खबर, एक व्यक्ति ने अपने जान पे खेल के ठंडे पानी के गिलास में डूबती हुई एक चींटी को बचाया। म्यूजिक, ठंड का कहर। आजकल ठंडा पानी पियो तो पानी शरीर में कहां तक पहुंचा है सारी लोकेशन बताता है। इस ठंड में 5 बजे जगकर 8 बजे तक रजाई में करवट बदलना भी मॉर्निंग वॉक माना जाएगा। इस ठंड में अगर बाथरूम में कोई फिल्मी गाना गा रहा हो तो समझो गर्म पानी से नहा रहा है, और भजन गा रहा तो समझो ठंडे पानी से नहा रहा है। आज घर वाले बता रहे थे कि नहाने के बाद ठंड नहीं लगती है, लेकिन मैं उनके बहकावे में नहीं आया। आजकल तो फ्रिज से भरोसा ही उठ गया है, फ्रिज से ज्यादा ठंडा पानी तो हमारे यहाँ टंकी से आ रही है। दुनिया में कोई ऐसी ठंड नहीं बनी जो शादियों में जाने वाली लड़की और महिलाओं को स्वेटर पहना सके। ठंड इतनी बढ़ गई है कि मच्छर भी आकर बोल रहा है काटूंगा नहीं भाई, बस रजाई में 2 मिनट रहने दो। ठंड का कहर इस कदर बढ़ गया है कि अब तो ना मुस्कुराने का जी चाहता है ना कुछ खाने पीने का जी चाहता है। अब ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर रजाई में घुस जाने को जी चाहता है। जब इतनी ठंडी झेल ही रहे तो प्रभु थोड़ा स्नोफॉल भी करा दो ताकि मनाली जाने के पैसे भी बच जाए। पिछली बार तो ठंड से होठ ही फट रहे थे लेकिन इस बार पैर भी फट रहे हैं, और जो आपने सोचा उसके लिए तो 21 तोपों की सलामी भी कम है। हमारे यहाँ तो इतनी ठंड है कि क्या बताएं, सूरज को भी उसकी मम्मी ने 3 दिन से बाहर निकलने नहीं दिया। और कुछ बुढ़े साल ओढ़ कर दिन भर आग के सामने बैठे ज्ञान दे रहे हैं, ठंड तो कुछ भी नहीं है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ा करती थी। ठंड में परेशानियाँ, ठंड में आने वाली कुछ परेशानियाँ। रजाई के अंदर घुस के मोबाइल चलो तो साला सांस नहीं आती, और बाहर निकालो तो ठंड लगती है। छाया में बैठो तो ठंड लगती है, और धूप में बैठो तो मोबाइल का डिस्प्ले दिखाई नहीं देता। घर समय पर पहुंचो तो खाना गर्म मिलता है और बीबी ठंडी मिलती है, और लेट से पहुंचो तो बीबी गर्म मिलती है और खाना ठंडी मिलती है। और तो और ठंड में 2 मिनट हाथ सेकने क्या बैठ जाओ, साला धुआं उधर ही आता है जिस तरफ बैठा हो। इतनी खुशी ठंड में सिंगल लौंडों का दर्द। सिंगल लौंडों की ठंड में होने वाली सबसे बड़ी समस्या, साला जब भी बाथरूम जाओ तो पीछे से कंबल ठंडी हो जाती है। सुनो फलानी, मैं बुमराह का यॉर्कर कोई, तुम धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट प्रिय, मैं कोका कोला सा ठंडा, तुम चाय से बिल्कुल हॉट प्रिय। डियर फलानी, कोई तो अपने दिल में रख लो, बाहर बहुत ठंडी लग रही है। इतनी ठंड में सवेरे सवेरे नहाने पर कोई अवार्ड का प्रावधान है क्या? नहीं मतलब जैसे कोल्ड श्री, कोल्ड भूषण, कोल्ड वीर। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सर्दियों में शाम नहीं सीधे रात होती है, जैसे कुछ लोगों की लाइफ में इश्क नहीं सीधे बारात होती है। खैर छोड़ो ये सब, आप बताओ आपकी यहाँ कितनी ठंड है। मजा आया।